नमो हनुमते तुभ्यं नमो मारुतसूनवे नमः श्रीराम भक्ताय श्यामाश्याय च ते नमः। ॐ दक्षिणमुखाय पञ्चमुख हनुमते करालबदनाय नारसिंहाय ओम हाम हीम हूम हौम हः सकल भीत प्रेत दमनाय स्वाहा। नमस्कार, मैं हूँ सानेराज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। महावीर मंदिर के सामने हैं हम लोग इस वक्त पटना के, और आपको बता दें कि यहाँ पे शरबत बढ़ रहे हैं। जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्यास लग जाती है, थक जाते हैं, तो ऐसे में जो लोग हैं वो शरबत बांट रहे हैं। और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो लोग भी हनुमान चालीसा बांटते हुए नजर आ रहे हैं। जरा उनसे जानते हैं कि आज रामनवमी है, क्या कुछ करने वाली हैं आप? हनुमान चालीसा बांटने वाले। इसके अलावा क्या क्या करती हैं? हर साल आप लोग बांटती हैं शरबत? शरबत शरबत भी। किस लिए बांट रही हैं? क्या होता है शरबत बांटने से, क्या होगा? धर्म होगा। आपको नहीं मालूम है कि क्या होने वाला है, क्या होगा, क्या मिलेगा? धर्म होगा। धर्म होगा। भगवान जी का दर्शन किया आपने, क्या मांगा? भगवान विद्या बुद्धि। आपने क्या मांगा? विद्या। विद्या मांगा। यहाँ पे महिलाएं भी हैं, कितने साल से हैं आप लोग बांट रही हैं? दो साल से बांट रहे हैं। दो साल से बांट रही हैं। हर साल शरबत भी बांटते हैं आप लोग? हाँ, अगला साल से बांट रहे हैं अभी। अच्छा, इसे क्या पुण्य पाने के लिए या फिर धर्म के लिए या फिर बाल बच्चा के रक्षा के लिए? और क्या, ताकि धर्म आशीर्वाद मिले, बाल बच्चा आगे बढ़े, पानी पिलाने से बाल बच्चा बढ़े आगे, और क्या जी। जितना आदमी का जुड़ाएगा उतना अच्छा होगा बाल बच्चा का जी। हनुमान जी का दर्शन किया आपने? नहीं, अब नहीं किए, जा रहे हैं। जा रहे हैं, भीड़ तो काफी ज्यादा है। हाँ, इसीलिए नहीं गए अभी, बाद में जाएंगे। बाद में जाएंगे। क्या मांगे हैं आज आप भगवान जी से? रामनवमी है, आप काफी अच्छे लग रहे हैं, कुर्ता पजामे में एकदम बजरंग बली के भक्त लग रहे हैं, तो पावर वगैरह स्टेमिना वगैरह मांगे हैं? नहीं। क्या मांगा आपने? कुछ भी नहीं, शरबत शरबत पिला रहे हैं बस। शरबत? भगवान जी को शरबत पिला रहे हैं? किसको पिला रहे हैं शरबत? यहाँ पे जितने लोग आ रहे हैं उन सभी को। विद्या मांगो। वो तो मांगे वादी। मांगे हैं आप? कौन से क्लास में हैं आप? फोर। फोर्थ क्लास में है, टॉप करना है, ये मांगे हैं? ये बस खेलना है? क्या बनना है आपको? आईपीएस। आईपीएस बनना है? मतलब जोश तो आईपीएस बनने का है, वापस जाके आगे जाके चेंज तो नहीं करने वाले हो? बिहार में हो इसलिए आईपीएस बनना है कि मतलब बिहार में इसलिए? अरे वाह, बिहार में है इसलिए आईपीएस बनना है। ये छोटे से बच्चे की आप बात सुन लीजिए कि इनका कहना है कि बिहार में है इसलिए हमको आईपीएस बनना है। यहाँ पे और भी महिलाएं हैं, उनसे भी जानते हैं। ये बताइए कि आप लोग आज शरबत बांट रही हैं, हनुमान चालीसा बांट रही हैं लोगों का पुण्य पाने के लिए, धर्म का के लिए, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? आज रामनवमी भी है। मैं यही कहूँगी कि लोगों के दिल में जो भी हमारे राम जी बसते हैं, उन जैसे वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनके जो विचार थे वो विचार सबके दिलों में रहे। और ये हम लोग शरबत बांट रहे हैं, हमारी कंपनी जो भी अपना प्रचार कर रही है वो सारा उनका जो भी है वो प्रचार हो, और हम लोग लोगों की सेवा ऐसे ही हर साल करते आए, मतलब काफ़ी सालों तक हम लोग उनकी सेवा करते रहे, यही उम्मीद है जनता से, और हम लोग उनसे प्यार भी पाएँ ताकि हमें अच्छा लगे ये सब। जय श्री राम बोलो तो। एक बार जय श्री राम। और जोर से जय श्री राम। बच्चों के अंदर उत्साह देख रहे हैं आप लोग, इनका जोश कितना एक्सट्रीम है। तो आपने सुना इनका क्या कुछ कहना है, काफ़ी खुशी है इन लोगों के चेहरे पे, और सभी का सेवा कर रहे हैं ये जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। इस गर्मी में चिलचिलाती गर्मी में शरबत बांटना और ऊपर से हनुमान चालीसा देना, धर्म की रक्षा भी हो रही है साथ साथ सेवा पुण्य भी हो रहा है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार संवाददाता। धन्यवाद।